अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमलगम किचन। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं सीख कबाब हांडी। उसके लिए चिकन हमने लिया है बोनलेस हाफ के जी। व्यूअर्स, पहले मैं आपको सीख कबाब के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। और उसके लिए मसाले हमने लिए हैं, 1 टीस्पून हमने लिए काली मिर्च, 1 टीस्पून हमने लिए धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हमने लिया चिली फ्लेक्स का और 1 टेबलस्पून ही हमने लिया है सॉल्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 4 टेबलस्पून। ये हम आधा ग्रेवी में यूज़ करेंगे, आधा हम कबाब में डालेंगे। इसी तरह ये हरी मिर्चें हमारे पास 8 से 10, आधी हम कबाब में डालेंगे, आधी हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। एक बोल है हमारे पास कटा हुआ धनिया, फ्रेश ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 1 बोल और 1 है हमारे पास अंडा। सीख कबाब की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। कुछ हमने कैशू नट्स लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून और 1/2 टेबल स्पून हमने लिए ब्लैक पेपर पाउडर। 1 कप हमने लिया दही का, आधा कप लिया क्रीम का। अब हम सीख कबाब का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के लिए मैंने चिकन जो है वो डाल दी है, ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने रखे थे, साथ ही हम एग डाल देते हैं और बाकी के सारे मसाले जो हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमारे पास था, हरी मिर्च भी डाल देते हैं और अब हम इसको 5 से 6 मिनट जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। व्यूअर्स, पेस्ट हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, इसी तरह बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो बन चुका है। अब मैं इसको किसी बोल में निकाल लेती हूँ। पेस्ट हमने एक बोल में निकाल लिया है, हमारे पास जो धनिया था वो डाल के अब हम मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, कबाब का पेस्ट अच्छा सा रेडी हो गया है हमारा और अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 लिया सीख, उसको हमने ग्रीस कर लिया है। इस तरह से हम 1 कबाब जितना पेस्ट लेके, जितने नॉर्मल हम कबाब बनाते हैं उसी साइज़ का हम कबाब बनाएंगे इस तरह से। सीख कबाब हमारे बन चुके हैं, 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाएं, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। और उससे पहले हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 1 छोटा कप हमने लिया ऑयल का। अब हम इसमें 4 से 5 मिनट प्याज फ्राई करेंगे और प्याज हमें बहुत लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा डार्क कलर हमने प्याज़ों का नहीं करना। इसके साथ ही हमारे पास जो कैशू नट्स थे वो भी डाल देते हैं ताकि वो भी प्याज के साथ ही फ्राई हो जाए। व्यूअर्स, प्याज और कैशू नट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बड़ा अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। ऑयल हमारा फिर से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैंने जो प्याज ब्लेंड किए थे उसके अंदर ही मैंने हरी मिर्च डाल ली थी, अब मैं वो डाल देती हूँ।
अब हम बाकी के मसाले डाल देते हैं और मसाले डाल के फ्राई करते हैं हिला के अच्छी तरह। इसी तरह अब हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे कबाब की तरफ। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम करते हैं कबाब फ्राई। व्यूअर्स, हमने एक ग्रिल पैन लिया है, उसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून जो है हमने ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, कबाब भी हमारे सेट हो चुके थे जो हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखे थे। अब हम इसको इस तरह से फ्राई करते हैं कि हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट लाइट सा कलर रखना है क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ग्रेवी में भी पकना है। अब हम कबाब फ्लिप करेंगे, ये देखिए। अब हम अपनी दूसरी लॉट फ्राई करेंगे। कबाब हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको फ्लिप कर लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। पहले जो हमने कबाब फ्राई किए थे वो भी हम इसमें रख देते हैं और फिर हम इनको ग्रेवी में ऐड करेंगे। ग्रेवी को हमने गर्म कर लिया है, अब हम इसमें कबाब डालते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें कबाब डालें। ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, फ्राई हुए हैं और काफ़ी टफ हो चुके हैं। अब हम अच्छी तरह कबाब जो हैं उनको ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे। योगर्ट को डाल के 1-1.5 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है। अब हमने इसमें डाल दिया है क्रीम। क्रीम डाल के भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ऐसे ही हम 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि ग्रेवी, कबाब, हमारे दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। क्रीम डाल के हमने इसको 1.5-2 मिनट इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी है, बल्कि हमारे सीख कबाब हांडी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम स्प्रिंकल करेंगे धनिया और धनिया डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और फ्लेम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, हमारे सीख कबाब हांडी को दम लग चुका है। अब मैं इसका मसाला और धनिया जो है मिक्स कर लूँगी और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
व्यूअर्स, हमारी सीख कबाब हांडी जो है बिल्कुल रेडी है, जिसे हम डिश आउट कर चुके हैं। अगर आपको सीख कबाब हांडी की डिफरेंट रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट करें।